से पहले आप सब पवित्र आत्माओं को मेरा चरणम शरणम गच्छामि। मेरा नाम नर्मदा कौशिक, मंडी की रहने वाली हूँ। आज मैं किसान भाइयों के लिए खेती बाड़ी में पपर से लाभ लेने का तरीका बता रही हूँ। ध्यान से सुने, यदि आपको अनुकूल पड़े तो लाभ लें और अन्य प्रतिकूल पड़े तो छोड़ दें। टीका ये है, परम जी ने बताया है कि अगर आपको पहले से अधिक उपज चाहिए तो इस ढंग से करते रहो कि पहले खेत को अच्छी तरह तैयार करो, उसके बाद जब आप बीज बोते हो तो बीज की टोकरी साथ में खेत में ले जाएं, परम जी का चित्र साथ में ले जाएं, परम जी के चित्र को नमस्कार करें, पूरे खेत की ओर अपनी नज़र दौड़ाएं और फिर बोलें, पपर करें, परमम शरणम गच्छामि, हंसम शरणम गच्छामि, अद्वैतम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। इस बार मेरे इस खेत में पहले से अधिक उपज आए, अच्छी उपज आए, किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। अच्छी फसल आने पर मैं पकर में बड़ी हुई फसल का 25% परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकर में दो नए किसानों को P3Y सिखाऊंगी। आप परम जी को नमस्कार करो और अपना काम करो। अब फसल आने पर, फसल की कटाई पर आप देखें कि आपके पिछले वर्ष के तुलना में इस बार उस खेत में जो पपर किया है वहाँ कितनी फसल हुई है। तो अगर पहले से अधिक है तो जो अधिक फसल आई है परम जी का धन्यवाद करो और उस फसल का 25% का अंदाजा लगाओ और 25% परम जी को पकड़ में दे दो। परम जी का पैसा परम जी के एक गुल्लक लगा लो, उसमें डालते रहो। जो आपने मन्नत मानी है किसानों को, दो किसानों को P3Y खाने की, वह भी पूरी करो। दो किसानों को P3Y खा दो कि मेरे खेत में अच्छी फसल आई है, मैंने पपर किया था, परम जी की विद्या का प्रयोग किया था। तो आपको भी अगर आप अपने खेत में अच्छी फसल उगानी है तो P3Y से लाभ लो, परम जी की विद्या पपर करो और अपने हर वर्ष अपने खेत की उपज बढ़ाओ। याद रहे कि जो बड़ी हुई फसल है परम जी के द्वारा, आपको जो बड़ी हुई फसल दी गई है उसमें से 25% तो परम जी को आपने दिया, 75% आपको लाभ है, तो उसका आप ठीक प्रयोग करें, उससे बच्चों की शिक्षा के लिए खर्च करें, अपना घर इत्यादि बनाने के लिए खर्च करें
और अपने अच्छे कामों के लिए समृद्धि के लिए खर्च करें, गलत चीजों में उसका प्रयोग ना करें। और इस प्रकार क्योंकि अगर आप उस पैसे का जो परम जी के द्वारा दिया हुआ लाभ है उसके द्वारा आप गलत प्रयोग करेंगे उसका, तो आगे के लिए आपको लाभ नहीं होगा। उसका ठीक प्रयोग करते रहो, अपनी समृद्धि के लिए प्रयोग करते रहो, लाभ लो और अपने जीवन को सुखी बनाओ। ये है परम जी के पप्र का तिरका उपज बढ़ाने के लिए। हर वर्ष आप हर खेत में P3Y का ये तिरका करेंगे, हर खेत में आपकी कुछ बढ़ेगी और पहले से अधिक होगी और हर वर्ष आप लाभ ले सकते हैं और अपने जीवन को सुखी और संपन्न बना सकते हैं। चरणम शरणम गच्छामि।